खामोशिया बेचैनिया नादानिया आप भगवान के लिए मुझे कोई सलाह ना दें। अच्छा, मेरी सलाह से तो वो पटी नहीं, अब तेरे आइडिया से वो पटेगी। पटेगी मम्मी जी, पटेगी, बट आप मेहरबानी करके मुझे दोबारा कोई आइडिया मत देना। मैं भी देखती हूँ भाई, इसके आइडिया से मेघना कैसे पट जाती है। हेलो डॉल्फिन दुबे। ओए मैं तो जबरदस्त, तू मुझे क्या होना, तुझे तो पता ही है मुझे। तू दिल्ली आई हुई है? नहीं सच्ची, कब मिलना बोल। ओके मैं पहुंचती हूँ अंचल प्लाजा। ओके बाय। इतने दिनों बाद अपनी फेवरेट डॉल्फिन दुबे को मिलूंगी, मजा आएगा। कान का चुपका। पर मैं अंचल प्लाजा पहुंचूंगी कैसे, मेरे को तो रास्ता भी नहीं पता। आज तो मैं मेघना को प्रपोज करके रहूंगा। मेघना, मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। सच्ची बोल बापू, सच्ची बोल। सच। हाँ, ओके, अंचल प्लाजा चलते। हाँ मम्मी जी, तू बता, तेरे को रास्ता पता है ना? हाँ पता है। हैं? ये तो डेट के लिए इतनी जल्दी मान गई। ओ ये तो मान गई। ओके मैं जबरदस्त तैयार होके आती हूँ, एकदम आईफोन बन के चकास। हाय रब्बा, ये तो मेरी तरह कूदती फांदती जाती है, मैं भी रेडी होके आता हूँ। ओए पपुआ, मम्मी जी वो डेट के लिए मान गई। हाँ, मैंने सुना। लो जी, बड़े कमाल की बात है, तेरा घोंचू जैसा मुंह देखकर भी वो मान गई। हाय मम्मी जी, इस घोंचू की घोंची है वो। हाय रब्बा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये गधा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। नहीं नहीं तारावंती, तुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। सरता बहन कहाँ गई? चांदनी। वो तारा, क्या हुआ, इतनी वो क्यों हो रही है तू? खूबसूरत बहन, तुझे एक बात बता दूं, खूबसूरत हुआ नहीं जाता, खूबसूरत तो इंसान बचपन से ही होता है। ओए खूबसूरत नहीं, ओए उतावली, इतनी उतावली क्यों हो रही है तू? ओ हाँ, वो बात है, ये तुझे पता है, पप्पू ने मेघना को पटा लिया। हाय ये तो कितनी खुशी की बात है, रब दिसो। नहीं ये खुशी की बात नहीं है, ये मेरे झोलू पुत्र पप्पू की बात है। जब से पैदा हुआ है ना, खुशी तो मेरे आसपास ही नहीं पटकी। पर अब तो तू खुश है ना? नहीं, खुश से ज्यादा मैं डरी हुई हूँ। हमें ना पप्पू की मेघना को पटाने में मदद करनी होगी, वो अभी अभी डेट पर जा रहे हैं, हम उनका पीछा कर लेते हैं। हाँ ठीक है चल। अरे हम ऐसे ही चले जाएंगे तो पहचान नहीं जाएंगे हमको। यस यू आर राइट। ओए होए, आई हैव एन आइडिया। अरे पापा जी, न जाने ये लोग क्या तमाशा करने जा रहे हैं। हाँ मंगवाओ कॉफी। नहीं मंगवाओगे? अरे क्यों नहीं मंगवाओगे, कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी नहीं मंगवाओगे तो क्या पिज्जा मंगवाओगे? ऐसे पिज्जा आ सकता तो कितना जबरदस्त हो जाता। नहीं मुझे एक बात बता। यस। तू खुद तो बन ठन के लड़की बन के आ गई है और मुझे मर्द बना दिया तूने। ए पैर, मैं तुझे समझाती हूँ। देख, अगर इतनी खूबसूरत लड़की मर्द बनेगी तो मेरी खूबसूरती खराब नहीं हो जाएगी? इसी को दिखा दिखा के मुझे लड़कियों को जलाना होता है। एनीवेज,
लो जी, तेरा तो फर्क नहीं ना पड़ता, तू टेंशन मत ले। देख मुझे लगा कर भी तू बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे पहले लगती थी। हे मेघना, एक बात पूछूं, तुम यहाँ आने के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई? तैयार तो मैं इतनी जल्दी कहीं जाने के लिए नहीं होती, पर मेरी फ्रेंड डॉल्फिन दुबे, उसने बोला अंसल प्लाजा बेस्ट जगह रहेगी मिलने के लिए, इसीलिए मैं आ गई। लगता है ये डॉल्फिन से मेरे और अपने बारे में बातें करती है, इसीलिए डॉल्फिन ने इसे मेरे साथ यहाँ डेट पर आने को कहा है। ये सरता, ये लोग तो बड़े खुश हो के बातें कर रहे हैं। लगता बात बन रही है, वरना सरता जब तक मैं अपने कानों से नहीं ना सुन लूंगी मुझे भी यकीन नहीं होना ये पप्पू बहुत ज्यादा नालायक है। ये बात। अच्छा पर तेरे कान वहाँ कैसे जाएंगे? वो तेरी उससे भी ज्यादा नालायक है, मेरे मुंह से अलग होकर तो कान वहाँ तक नहीं ना पहुँच सकते, मेरे मुंह के साथ ही वहाँ जाएंगे ना। मतलब ओए बाबा जी, ऐसे नदान लोग ही मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हैं। ए चल तू। तुम कितनी फनी हो ना मेघना। फनी तो मैं हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ और बड़ी जबरदस्त हूँ। तुम्हें पता पूरे भटिंडे में मेरे फनी होने के किस्से बड़े मशहूर हैं। बाय गॉड, ये सरता कुछ नहीं सुन रहा। ओए टेबल पकड़ के रख। हाँ, पकड़ी। अरे ओए पप्पू, खाने में बौछार क्यों मार रहा है? सिंचाई कर रहा है क्या? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, सिंचाई करना तो बहुत बढ़िया बात होती है। सिंचाई करने से ना खेतों में जबरदस्त फसल उगती है, बहुत जबरदस्त। भटिंडा में अपने खेतों में मैं खुद ही सिंचाई करती थी। मुंह से? चुप रहे, पानी से। हाय हाय सरता, इनमें तो लुगाई बनाने की बात होनी चाहिए, ये तो सिंचाई की बातें करे जा रहे हैं। हैं? इस तरह तो मेरे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। ये लो। मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मर जाना देख ही नहीं रहा। ओके, आई विल गो। पप्पू, आई लव यू बोल दे। क्या हुआ पप्पू? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है। ओए पुत्र बोल दे, आई लव यू बोल दे, बोल दे। मासी, आओ मम्मी जी। खामोशियाँ।